हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अदरक कैसे उगा सकते हैं, अदरक कैसे उगाया जाता है और पूरा मतलब किस हिसाब से अदरक निकलती है, कितना टाइम लगता है और कैसी मट्टी बनाई जाती है, ये आज मेरे को आपको पूरी जानकारी देनी है। अगर बहुत अच्छे तरीके से अदरक का समझ में आपको आ जाएगा प्रोसेस कैसे है, कैसे निकलना चाहिए अदरक, तो आपको मैं आज समझाना चाहती हूँ। अदरक के लिए आपको सबसे पहले मट्टी तैयार करनी है और मौसम का देखना है अदरक सबसे अच्छी बेस्ट किस तरीके में बोई जाती है। मैंने तो वैसे फर्ज में ही लगाया जाता है, लेकिन मैंने ऐसे ही, आप जानते हैं, मैं अक्सर चाहती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करती रहती हूँ। जब प्रैक्टिकल में मजबूती आ जाती है मेरे, उसके बाद ही मैं आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। तो समझ लीजिए फरवरी लास्ट समझ लीजिए, चाहे आप मार्च भी समझ सकते हैं, मार्च फर्स्ट वीक भी समझ सकते हैं, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इतना याद है मुझे कि मैंने मार्च के महीने में यहाँ लास्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया था फरवरी, तब मैंने अदरक बोई थी। उसके बाद मेरा कैसा रिजल्ट निकला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अदरक कैसे लगाई जाती है जब मैंने अपने खुद देख लिया कैसे लगाई जाती है, तब मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ। तो ये, और अदरक का सबसे दिखाऊंगी कि मेरी अदरक 2 महीने 3 महीने में कैसे निकली। तो ये अदरक का पूरा प्रोसेस हम लोग का समझ लीजिए 10 महीने का होता है। पूरा 10 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आप अदरक लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने अदरक कहाँ लगाई है, तो उसके लिए आपको एक चिप लगा देनी है कि ये आपने अदरक का गमला लगाया है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे और फिर सोचेंगे यहाँ तो गमला खाली पड़ा है। क्योंकि मैं अक्सर यही करती हूँ, ये पागलपंती मेरे अंदर है, मैं पहले हर चीज बो देती हूँ उसके बाद भूल जाती हूँ और उसके अंदर कुछ और लगा देती हूँ। जब वो अदरक नीचे से निकलती है तब समझ में नहीं आता कि मैंने इसमें क्या बोया था, क्योंकि मेरे दिमाग से उतर जाता है। तो मैं जो चीज मैंने गलती करी वो चीज आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। आप अदरक कभी भी बोइए, क्योंकि अदरक में पूरे 10 महीने लगते हैं, 10 महीने बहुत होते हैं। गमला हमारा खाली पड़ा रहेगा तो हम लोग लगेगा वेस्ट है, ला हम लोग कुछ ना कुछ पौधा उसमें लगा दें। तो इसलिए आप लोग चिप जरूर लगा लीजिएगा जब अदरक लगाएं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मट्टी पड़ी हुई है, मट्टी क्या रतीली मट्टी है समझ लीजिए, मेरी पूरी गार्डन सॉयल, हम लोग प्लेन गार्डन सॉयल नहीं लेंगे इसमें। इसमें हम लोग को कम से कम 20% हम लोग को रेत मिलानी है, बालुई मट्टी जो बोलते हैं, बालुई मट्टी 20% मिलानी है। 20% मैंने नीम खली ले रखी है। नीम खली आप जानते हैं मैं घर की पत्तियों से ही बनाती हूँ। ये देखिए ये मेरी पत्तियां हैं, तो ये मैं अपनी यही ड्राई कर लेती हूँ, छत पे सुखा लेती हूँ। और मैंने बाजार से तो खैर नीम खली मैंने आज तक नहीं ली, मुझे पता भी नहीं है नीम खली कैसे मिलती है। मैं हमेशा अपने सामने ही मेरे नीम का पेड़ लगा रहता है, वहीं से पत्तियां तोड़ती हूँ, पूरी नीम सुखा लेती हूँ और मेरा वही नीम खली बन जाता है। तो ये मेरी समझ लीजिए 20% मैंने रेत ले ली। 20% यहाँ पे हमें बर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल करना है। बर्मी कम्पोस्ट जरूर लीजिएगा। बर्मी कम्पोस्ट इस समय हम लोग का मई जून में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बर्मी कम्पोस्ट, बर्मी कम्पोस्ट जरूर मिलानी होती है। चाहे आप 30% बर्मी कम्पोस्ट ले लीजिए, फिर आपको 20% कोकोपीट मिलाना है। तो मैंने यहाँ कोकोपीट का इस्तेमाल, तो कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। ये तो आप जानते हैं मैं घर का ही चूना ले लेती हूँ, घर का चूना ही मेरे को फंगीसाइड लगता है। मैं तो फंगीसाइड मिलाने के लिए मैंने, क्योंकि मैंने नीम घर की ही नीम ले रखी है तो इतना कोई जरूरत नहीं है ऐसे मिलाने की, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए थोड़ा सा लगता है कि अरे भाई दिखा दो जरा सा, भाई हमने भी कुछ थोड़ा सा बाजार से सामान ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे जरा सा हल्का सा चूना ले लिया। चूना मतलब मुश्किल से आपके सामने मैंने दो, मुश्किल से एक मुट्ठी भर के समझ लीजिए, एक मुट्ठी इतनी मट्टी में हम लोग को, मतलब मैंने ये कम से कम 10 इंची मैंने ये गमला लिया है, 10 इंची मैंने गमला लिया है। तो 10 इंची आप कम से कम 12 इंची भी ले सकते हैं, 15 इंची गमला भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से लगानी है। तो इस तरह से हम लोग को ये मट्टी पूरी मिलानी है। मई धीमे धीमे खत्म ही हो रहा है, अप्रैल मई जून समझ लीजिए। आप जब अदरक लगा मत करिएगा, मेरा रिजल्ट बिल्कुल बेकार निकला है। तो आप इसलिए हमेशा लेना अप्रैल का लास्ट महीना ले लेना, मई का महीना ले लेना और जून का महीना ले लेना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो काफी गर्म होते हैं और अदरक हमेशा गर्म चीजों में ही उगाई जाती है। जब बिल्कुल हम लोग का तापमान 45-50 डिग्री चलता है उसी समय हम लोग को अदरक बोनी है, उसी समय बेस्ट टाइम होता है अदरक उगाने का। उस समय हमारी अदरक खराब नहीं होती है। जो मैंने गलती करी वो आप लोग मत करिएगा, मेरी अदरक काफी गल चुकी है क्योंकि मैंने कम से कम मार्च में ही बोई थी तो मार्च का रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो ये देख लीजिए ये मैंने अदरक ली है। अब अदरक क्या किया है, आप लोग पूरी गड्डी जो अदरक की मोटी मोटी अदरक आती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसको 4 दिन पहले तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद जो ये पॉइंट होते हैं ये हम लोग को सुखाने होते हैं। आप तुरंत अगर तोड़ेंगे तो इसमें फंगस लग सकती है और फंगस लग के ये जो हम लोग का मेन पॉइंट ये होता है, यहां से अदरक निकलेगी मेन पॉइंट, ये अदरक का पॉइंट है, ये पॉइंट अदरक का हमारा मेन है। तो जैसे मोटी अदरक आती है, आप चाहे तो आपके गमले के अनुसार है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है, मैं तो हल्के हल्के गमलों में ही हर चीज ट्राई करती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक ही गमला लिया है और इतनी मैंने अदरक ली है। तो इतनी ही अदरक से कम 5-6 किलो अदरक निकल जाएगी। मैं आपको एक बार हल्दी की वीडियो दिखा चुकी हूँ, हल्दी की वीडियो मेरी 5 किलो निकली थी, जरा सी हल्दी मैंने लगाई थी और मेरी 5 किलो पूरी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली थी। तो मेरी इतनी अदरक बहुत है मेरे अपने। ये देखिए इसको आइस आइस पार्ट बोलते हैं, ये लगा है आइस पार्ट, ये आइस पार्ट लगा है और यहाँ पर एक आइस पार्ट लगा है, मतलब एक अदरक में 3 आंखें बनी हुई है। तो आपको यही लेनी है। अगर आप चाहें तो मोटी अदरक तुरंत ऐसे भी लगा सकते हैं,
मैंने थोड़ी कंजूसी कर दी है, मैंने तोड़ दी है, तो आप भी तोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल सूख जाना चाहिए। अगर आप तुरंत तोड़ के लगाएंगे तो आपकी अदरक 0% निकलेगी, बिल्कुल जीरो, बेकार जाएगी आपकी मेहनत। तो इसलिए आप अगर अदरक लगाना चाहें, तोड़ के लगाना चाहेंगे मेरी तरह, तो 4 दिन पहले तोड़िएगा उसको, एयरटाइट डब्बे में बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने पूरी तोड़ दी थी 4 दिन पहले, और ऐसे एयरटाइट डब्बे में मैंने पूरी बंद कर दी थी। 4 दिन के बाद से मैंने ये अदरक निकाली है, तो मेरे ये पार्ट बिल्कुल सूख चुके हैं, सूख चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पे आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट पे, जो हम लोग के पॉइंट फंगस ना लगे ये, या मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। मैं तो हर चीज में एलोवेरा जेल ही लगा लेती हूँ, मेरा सबसे अच्छा घरेलू उपाय, क्योंकि हम लोग अपने घर में लगा रहे हैं तो हर चीज अपने घर की ही चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने एलोवेरा जेल पॉइंट, जितने भी आपके पॉइंट होंगे ध्यान रखिएगा, उसके बिना आपका बिल्कुल अदरक बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि हमने इसको हिस्सा तोड़ा है। आप सजा उगा देंगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आपको तोड़ के तरीका दिखा रही हूँ तो भी आपको 100% रिजल्ट दिखाऊंगी, और 100% रिजल्ट मेरा आता भी है क्योंकि मैंने अजमा के देखा है। तो इस तरह से आप एलोवेरा जेल जितने आपके पॉइंट होंगे उसमें आप ये पॉइंट में अपने मिला लेंगे। अदरक हमेशा आपको, ये आंख खुलेगी, अभी मैं आपको बोने का तरीका बताऊंगी किस तरह से अदरक आपको लगानी है। तो आपके यही महीने बेस्ट होते हैं, गर्मी का सबसे महीना, सबसे बेस्ट महीना गर्मी का ही होता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से हल्के से पत्तियां निकल आएंगी। कम से कम हम लोग को 1 महीना या 1.5 महीने बाद इसमें अंकुरित आपको दिखाई देंगे। ये जो निकले हैं ये आपको पूरा 1.5 महीने बाद ही इसके अंकुरित निकलने शुरू होंगे। 2 महीने में आपकी पत्तियां निकल आएंगी, तो आप उसकी हल्की हल्की से पॉइंट ऊपर की तोड़ के चाय बना सकते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ। आपकी मर्जी है, बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो बराबर उसको लगने दीजिए। फिर कम से कम हमारे जब 5-6 महीने हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, जब आपका 2 महीना इसमें अदरक की जब पत्तियां निकल आएंगी, भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी वीडियो में किस तरह से क्या करना है, जब आपकी पत्तियां निकल आएंगी 2 महीने की हो जाएंगी, तब आपको उसमें कम से कम 50% गोबर की खाद डालना है। ध्यान रखिएगा, अभी हम बर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, गोबर की खाद बिल्कुल यूज नहीं की है। और जब आपकी 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको उसमें गोबर की खाद जरूर देनी है। जैसे जैसे आपकी पत्तियां बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से आपको मिलाते जाना है। तो अब इसमें हम लोग मट्टी भर लेते हैं, देख लीजिए कम से कम 12 इंच मेरा, कम से कम 10 इंच या 12 इंच मेरा गमला है। ये काफी गहराई ले रखी है मैंने इस गमले की, आप चाहें तो चौड़ाई में भी लगा सकते हैं, जैसी आपके पास जगह हो उस हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। कोई ये नहीं कि हमने इतना गमला लिया है तो आप भी इसी तरह का गमला लें, आपकी जैसी मर्जी है आप लोग उस हिसाब से गमला ले सकते हैं। तो ये मैंने मट्टी बनाने का तरीका आपको दिखा दिया है, इस तरह से हम लोग को मट्टी लगा देनी है। फंगीसाइड जरूर लगाइएगा क्योंकि गर्मी का टाइम भी चल रहा है और हमने अदरक तोड़ी भी है, तो इस वजह से फंगस लगने का डर होगा। तो इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको जरूर से फंगीसाइड जरूर लगाना है। अगर आप बाजार पे विश्वास रखते हो तो बाजार से बहुत सारी चीजें मिलती हैं फंगीसाइड लगाने का, बहुत अच्छे अच्छे साफ सेफ वाला कुछ मिलता है, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है लेकिन काफी कुछ बाजार में मिलता है, उस तरह का आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इतनी मट्टी भरी है, ध्यान रखिएगा ये पूरा समझ लीजिए 2 इंची 3 इंची गहराई होनी चाहिए, इतनी मट्टी हमने कर ली है। अब हमको क्या करना है ये देखिए, ये पॉइंट हमारा अदरक का है, ये देख लीजिए इस तरह से हम लोग को ये ऐसे बिछा देनी है, यहाँ पे बस ऐसे बिछा देंगे ये अदरक, जहां जहां पॉइंट है वो अपने आप ही निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग को बहुत बिछा देनी है। एक गमले में कम से कम हम लोग इस तरह के मैंने पीस रखे हैं, 5-6 पीस लगा सकते हैं, बहुत हैं, मुझे शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपको शिफ्ट करके बड़े बकेट में लगाना होगा तो भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपके 3 महीने जब बीत जाएंगे, 3 महीने बाद शिफ्ट की जाती है इसकी शिफ्टिंग, तो 3 महीने बाद इसकी आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। दोबारा से आप बढ़िया सी गोबर की खाद की मट्टी बना लीजिएगा, गोबर 50% पूरी गोबर की मट्टी लीजिएगा और बाकी अपनी रतीली मट्टी लीजिएगा, और नीम खली जरूर मिलाइएगा क्योंकि नीम खली से फंगस लगने का डर नहीं होगा। इस समय फंगस, बरसात आ जाएगी, बरसात में फंगस लगने का बहुत डर होता है, लेकिन बरसात में हमारी अदरक उपजाऊ भी बहुत बढ़िया सी, बहुत अच्छे से निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 पीस मैंने ले रखे हैं, और देख लीजिए मैंने किस तरह से अदरक लगाई है। इसके बाद हम लोग फिर से ये अपनी ये डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग कम से कम 2 महीने तक इसको, अभी हमको सेमी शेड में रखना है, इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना। गर्मी जरूर है हमारे यहाँ, लेकिन गर्मी में ही बोई जाती है, लेकिन ये आपको ध्यान दीजिएगा कि अदरक बोई है हमने, तो हम लोग क्योंकि अदरक हमारी पूरे साल भर का, ये पूरा साल भर का टाइम लेती है, इसलिए हम भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाती हूँ, अब मुझे आप लोग के बारे में, किसी के बारे में नहीं मालूम है, मैं भूल जाती हूँ। मैंने अक्सर ये गलती करी है, मैं 10 गमलों में चीजें लगा लगा के अब भूल जाती हूँ, तो फिर उसमें कुछ और लगा देती हूँ। जब उसका टाइम हो जाता है, वो भी निकलता है, तब मुझे लगता है अरे मैंने इसमें कुछ बोया था, लगता है कुछ निकल रहा है। मैंने कई बार ये चीज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हल्का सा आप पानी डाल देंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने तक कोई गमला छूना नहीं। ये देखिए मेरे 2 महीने का बाद का रिजल्ट, ये देख लीजिए
ये 2 महीने का है, समझ लीजिए 3 महीने समझ लीजिए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैंने कब बोया था। मैं आपको बार बार बात बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तो खाली हर चीज में एग्जाम्पल करती हूँ। तो कुछ रिजल्ट मेरा देखिए ऐसे निकले हैं, कुछ ऐसे निकले हैं, और कुछ देखिए निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। तो अभी 2 महीने के बाद हमें क्या करना है ये देखिए। एक मैंने इसमें बोया था, इसमें कुछ चीजें ये देखिए ये निकला हुआ है, ये निकली है, कुछ ये निकले हुए हैं, कुछ ये निकले हैं। और इसमें भी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ मैं कि मतलब ये अभी मेरे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसकी प्रोग्रेस मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। और ये देखिए एक मैंने ऐसे कप में बो दिया था, जब मेरे कप में निकलने लगा तब मुझे लगा कि अरे इसमें क्या निकल रहा है, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें एक अदरक डाल दी थी, तो एक अदरक मैंने इसमें डाल दी थी। तो देख लीजिए मैंने इतने छोटे से पॉट में भी बो दिया था, इतने छोटे से 2 इंची पॉट में बो दिया था, और ये थोड़ा सा बड़ा डब्बा है। तो अब ये इसमें क्या है, इसमें जड़ पनप नहीं पाएगी, तो हम इसको अब कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। इसको शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट करने में समझ में आ जाएगा कि हमको अब इसमें ये मतलब मैं आपको शिफ्ट करके दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी गमला नहीं लिया है, लेकिन फिर भी सबूत के तौर से हम आपको दिखा सकते हैं कि मैंने इसमें कैसे बोया है। तो इस तरह से आपको लगेगा भी कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो फिर कभी कभार तो कई लोगों को दिखाई थी, कई लोग के कमेंट आए थे कि आपने जड़ सही नहीं दिखाई। अरे भाई हम एक वीडियो 10-10 बार दिखाते हैं, तो हर बार जड़ कितने बार जड़ आपको दिखा चुके हैं। जड़ वाली वीडियो देख लीजिए, जड़ वाली वीडियो भी मैंने हजारों बार बना चुकी हूँ मैं, जड़ की कटिंग लगा के मैंने सही दिखाई है। और ये देखिए जम गई है मेरी अदरक इस समय, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए जैसे ये मैंने बोई थी इस तरह से, ये अदरक मैंने यहाँ पे बोई थी। और ये देखिए ये सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो ये देखिए ऐसे की वैसी रखी है, देखिए इसमें ये आंख बनी हुई है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई है। इसीलिए मैंने एक गमले में 5 पीस बोए, हो सकता है इसमें एक दो डेड हो जाए और एक दो निकल जाए। तो इस तरह से बस हम लोग को अदरक बोते, और इसके बाद 2 महीने बाद हमको ये आप ध्यान रखिएगा, पूरे 2 महीने बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी औजार लेके भी नहीं बैठी हूँ, तो इसलिए पूरा हम जब इसकी रिपोर्टिंग करेंगे फिर हमको ऐसे ही गमला लेना है। ये देखिए ये मैंने हल्दी बोई थी, ये हल्दी मैंने कम से कम दिसंबर में बोई थी, तो ये मेरी हल्दी का रिजल्ट है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी हल्दी निकली है, और मैं आप विश्वास नहीं करोगे मैंने हल्दी बोई थी और मैं भूल गई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने सोचा कि लाओ मैं इसमें कुछ और लगा लेती हूँ, गमला खाली पड़ा है, क्योंकि हम लोग की आदत होती है कोई भी गमला खाली देते हैं तो लालच आ जाता है गमला खाली पड़ा लाओ जल्दी से कोई पौधा लगा दे, तो मैं इसमें पौधा ही लगाने जा रही थी। जैसे मैंने देखा तो उसमें देखा मैंने अंकुरित निकल रहे हैं। कम से कम मैंने ये दिसंबर में कम से कम बोई थी, अब दिसंबर से आप हिसाब लगा लीजिए, इस समय हमारा पूरा मई का महीना चल रहा है, मई में सोचिए तब जाके ये इतनी बड़ी हुई है। ये भी हमारा अदरक हल्दी सेम प्रोसेस होता है, पूरा साल भर लगता है। बस हल्दी हम लोग को ठंडक में बोई जाती है और अदरक हम लोग को गर्मी में लगाना पड़ता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, मैंने अदरक थोड़ी सर्दी में लगा दी थी, तो इसका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा निकलेगा। तो जब अच्छा निकलेगा वो तो मैं आपके सामने वीडियो लेके ही, वर्मी कंपोस्ट ये मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो इस तरह से अदरक में हम लोग को गोबर की खाद डालनी है। ध्यान रखिएगा ये गोबर की खाद इस तरह से डालेंगे। मैं तो वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल रही हूँ क्योंकि हल्दी का बकेट मेरा काफी खाली हो गया है। इसमें भी हम लोग को मैंने बिल्कुल रिपोर्टिंग हम मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने गमले में परमानेंट लगा दिया, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं होती है जो मैं रिपोर्ट करती फिरूं। तो मैंने इसीलिए डायरेक्ट इसीलिए मैंने ज्यादा उसमें पीस नहीं लगाए हैं, हल्के से आप चाहे 10-15 पीस लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये लोग रिजल्ट कैसा निकलेगा जब आप लोग बोएंगे तो आप लोग मुझे जरूर दिखाएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड ये देखिए अब हमारा मतलब इसमें हमको पानी डालना है, तो पानी का मैंने कहा आपको छिटाई मार के दिखा देती हूँ। बहुत तेजी से भरना नहीं है इसमें पानी, बस इसमें हल्का सा इस तरह से पानी डालेंगे, और इसके बाद हम लोग सेमी शेड में जब इसको रख देंगे तो हमारा जब 4 दिन हो जाएगा, 4 दिन बाद आप देखिएगा आपको अदरक में बहुत पानी नहीं भरना है, नहीं तो अदरक आपकी गल जाएगी। तो 4 दिन बाद ही आप इसमें पानी डालिएगा, 4 दिन तक इसमें नीचे तक नमी बनी रहेगी। और अदरक में वैसे भी पानी होता है, अदरक के अंदर वैसे ही पानी होता है, तो वो पानी अपने आप ही इसमें मट्टी में पहुंचाता रहेगा। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको पानी जो छकाछक भरते हैं वो नहीं भरना है, 4 दिन बाद पानी भरेंगे। और इसके बाद जब हमारा 2 महीने कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया बर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद डालनी है, फिर 2 महीने के बाद आप 4 महीने जब आपके हो जाएंगे तब आपको फिर इसमें बर्मी कंपोस्ट डालनी है। उसके बाद आप देखिएगा कम से कम हमारा जनवरी दिसंबर जनवरी में अदरक हमारी इस तरह से इससे दुगनी समझ लीजिए लंबी जब हो जाएगी। ये तो हल्दी है मेरी, जब इतनी लंबी लंबी हो जाएगी यहाँ पे ब्राउनिश पत्तियां आने लगेंगी। जब कम से कम आपका जनवरी का महीना होगा, फरवरी का महीना होगा, तो ये पत्तियां आपकी यहाँ से पीली पीली होने लगेंगी, सूखने लगेंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे की अदरक आपकी जम चुकी है, मतलब कि पक गई है। अगर आप लोग बीच बीच में चाहें चाय बनाना चाहें तो यहाँ से टिप आराम से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैंची से सीजर से काट सकते हैं, क्योंकि अदरक आपकी नीचे से दोबारा फिर निकलती ही रहेगी, क्योंकि पूरे साल भर में ही अदरक तैयार होती है। पूरा साल भर लग जाता है, पूरा साल भर ही लगता है, कभी कभार 2 महीने कम रख लीजिए, लेकिन जनवरी तक ही इसका, फरवरी जनवरी में ही आप रिजल्ट मान के रखिए, तभी आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होगा जब पत्तियां पूरी। ये देखिए जैसे ये पत्ती है, ये तो गर्मी की वजह से ऐसी हो रही है, इसीलिए मैं इसको सेमी शेड में ही रखती हूँ।
यहां से पूरी पत्ती आपकी जल जाएगी, पूरी येलो होने लगेगी, बिल्कुल सूखने लगने लगेगी, ये डंडियां पूरी सूख जाएंगी तो समझ जाएगा हमारी अदरक पक चुकी है। तो फ्रेंड ठीक है ना, कम से कम फरवरी में आप अदरक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैंने 4 पीस सिर्फ काटे हैं, पाव भर सिर्फ अदरक ली है, और मैं आपको दिखाऊंगी कम से कम मेरी 4 किलो तो उम्मीद है मुझे निकली आएगी। जब आएगी तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।